अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और यूनिक आइडिया शेयर करने के लिए आई हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक लॉक था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक आर्टिस्टिक सी लुक दी जाए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्लॉक की फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले क्लॉक के मिरर से मैंने उसका साइज़ ट्रेस किया और साथ में मैंने इजी सा पैटर्न भी ड्रा कर लिया। फ्रेंड्स, आप इससे हट के भी कोई पैटर्न ड्रा कर सकते हैं, आप कोई फ्लावर्स बना सकते हैं, या फिर अगर आप किचन के लिए अपनी क्लॉक तैयार कर रहे हैं तो आप किचन से रिलेटेड कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं। मैंने इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और मैं तीनों में डिफरेंट कलर्स यूज़ करूँगी, और इसके लिए मैं मेडिकल टेप भी यूज़ कर रही हूँ। इस टेप से आपके कलर्स आपस में मर्ज नहीं होंगे। मैं ब्राउन कलर के साथ ब्लैक कलर भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क ब्राउन कलर चाहिए। आप अगर इसको लाइट रखना चाहते हैं तो लाइट भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, पेंट करने के लिए मैं स्पंज का यूज़ करूँगी, इससे टेक्सचर बहुत मज़े का आएगा। फ्रेंड्स, यू कैन सी आफ्टर रिमूविंग दिस टेप इट इज़ लुकिंग वेरी नीट। पेंटेड एरिया पे टेप लगाने से पहले मैंने इसको कपड़े पे पेस्ट किया ताकि इसकी ग्रिप थोड़ी सी कम हो जाए। फ्रेंड्स, एक्रेलिक कलर्स वाटर बेस होते हैं, अगर आप इसको इसके यूज़ के बाद अगर पेपर के अंदर थोड़े से कर्व्स आएँ तो आप इसकी कटिंग करने के बाद बैक साइड पर थोड़ा सा स्प्रे करें, वाटर स्प्रे करें, और इसे दो तीन बुक्स के नीचे रखते हैं या कोई भी वेट इसके ऊपर रखते हैं तो 3-4 घंटे में ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और सारे कर्व्स इसके ख़त्म हो जाएंगे। अभी रेडी है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसका दरमियान से हम इसका होल बनाएंगे। क्लॉक में लगाने से पहले इसका साइज़ चेक करेंगे और इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया है। फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए हमेशा आप ग्लू स्टिक का यूज़ करें। अगर आप इसके लिए ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ करेंगे तो उससे पेपर में कर्व्स आ जाएंगे और पेपर की नीट लुक नहीं आएगी। अब हम इसकी नीडल्स लगाएंगे। नीडल्स को उतारने के लिए सबसे पहली नीडल जो है वो फिक्स होती है, उसको थोड़ा ज़ोर लगा के उतारना पड़ता है, लेकिन बाकी दोनों नीडल्स ईजीली उतर जाती हैं। इसीलिए इसी तरह इसको लगाने के लिए फर्स्ट टू नीडल्स जो हैं वो ईज़िली लग जाएंगी और थर्ड वन को फिक्स करना पड़ेगा। इसके रिंग को भी मस्टर्ड कलर में पेंट करेंगे। Thank you.
क्लॉक रेडी है, अब हम इसको फिक्स कर देंगे। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।